दसवीं पास लोगों को भारतीय रेलवे में नौकरी करने का खास मौका मिला है। इस अवसर के तहत 5066 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी। रेलवे ने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये भर्ती आपके लिए एक अच्छा मौका है। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 23 सितंबर सोमवार से शुरू होंगे। इसके बाद आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर मंगलवार है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो समय से पहले रजिस्टर कर दें ताकि किसी भी तकनीकी समस्या से बचा जा सके। सारी जानकारी ध्यान से भरें क्योंकि एप्लीकेशन में कोई भी गलती आपको सिलेक्ट होने से रोक सकती है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास पास होना और संबंधित ट्रेड में ITI किया होना जरूरी है। भर्ती के लिए एप्लीकेंट की उम्र 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए। 22 अक्टूबर 2024 के हिसाब से एज कैलकुलेट की जाएगी। सरकार ने रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए नियम बनाए हैं जिनके तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसका मकसद ये है कि समाज के अलग अलग वर्गों के उम्मीदवारों को बराबर मौका मिल सके। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आवेदन शुल्क जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपए है और SC ST PWD और महिलाओं के लिए ये रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के लिए ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। ये आसान तरीका है। हालांकि ध्यान रखें कि भुगतान करते समय कोई गलती ना हो। अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को ध्यान में रखें। सबसे पहले एप्लीकेंट्स को रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आवेदन फॉर्म सिलेक्ट करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही और पूरे तरीके से भरें। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन फी का भुगतान करें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना ना भूलें। सारी जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। इस भर्ती में उम्मीदवारों को 10वीं और ITI के मार्क्स पर सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद टॉप उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें लोकल 18।